सिद्धार्थ की घटना का जिक्र किया है कि इन सबके पार वो घटना भी है, बुद्धत्व एक परम स्वीकार की घटना है। वो जीवन के संपूर्ण कैनवास में जीने का नाम है, इसलिए उसके प्रति व्याख्या या विश्लेषण संभव नहीं है। वो कैसा होता है उसे बता सकना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है वो जीवन की सारी रेंज में जी सकता है। वो भौतिक से अभौतिक तक, दृश्य से अदृश्य तक हर तल पर गति कर सकता है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो परिपूर्ण होता है। जीवन के प्रति उसका रिस्पॉन्स, उसका जो व्यवहार है उसमें कोई कमी नहीं होती, यही बुद्धत्व है। और वो अबूझ है, इसलिए उसमें बहुत उलझने की या उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धत्व को पाने की कोशिश विरोधाभास है, क्योंकि जब कोई कुछ भी पाना नहीं चाहता, पाने की भाषा जिससे छूट गई होती है वो व्यक्ति बुद्धत्व में स्थित होता है। यानी कि वो कोई पाने जैसी चीज़ नहीं है कि वो तुम पा लोगे, वो एक चेतना की अवस्था है। और उस अवस्था में होकर भी सारा नाटक, सारा खेल चलता रह सकता है।